ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। भाई पिछले पैसे तो दे दो, तो पिछले पैसे तो दिए नहीं आपने ये। अच्छा चलो एक काम करो, मैं बाद में बात करता हूँ। तो रो रही लगता है। नहीं नहीं रो तो नहीं रही। क्या नाम है आपका? शोला। तो तुझमें रोने की क्या बात है, नाम तो नाम होता है। मैं इसलिए नहीं रो रही। तो फिर किस लिए रो रही है? मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरा कोई भी नहीं है। मेरा दिल बहुत कमजोर है, प्लीज ऐसे मत बोले, मैं हूं ना, अब आप मेरे साथ चले। कहां? मेरे घर चले। आपका घर है? मैं आपको घर में रहने वाला लग रहा हूँ, मेरा जाती घर है, चले मेरे साथ, आइए आइए आइए। लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा। टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा। क्या देख रही हैं आप? ये आपका घर है? अपना ही समझे आप? अपना ही समझे मतलब? मेरा मतलब मैं काम करता हूँ ना यहाँ। मतलब आप नौकर हैं? अरे नहीं भाई, यहाँ पे मैं मैनेजर हूँ, सारे घर की जिम्मेदारियाँ मेरे नाजुक कांधों पे। मुझे ना बहुत भूख लग रही है, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। अभी गुड़िया के बाल किसने खाए थे? तो पहले बताना था ना मुझे, मैं कुछ खिला देता आपको। ये घर है या होटल? मेरा मतलब है कुछ बोलती आप तो मैं खिला देता आपको। फिलहाल तो कुछ भी खिला दे, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा आप एक काम करें, वहाँ आराम से बैठे, मैं कुछ खाना लेके आता हूँ आपके लिए। बैठिए बैठिए वहाँ पे। ये लीजिए जनाब, गर्मा गर्म खाना। कुछ परेशान लग रही हैं आप? नहीं नहीं, वो भूख की वजह से, मैंने कल से कुछ खाया नहीं है ना। एक काम करें, आराम से पेट भर के खाना खाएं, मैं जरा कुछ जरूरी काम है वो करके आता हूँ, ठीक है? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं क्या है? मुझे तो शक्ल से तुम चोर लग रही हो, ठहरो अभी मैं सबको बुला दूँ। बजाए अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? कजन है मेरी। मेरे को तो शक्ल से ये चोर लग रही है, ऐसा करते हैं कि हम लोग पुलिस को बुला लेते हैं। चोर नहीं है, कजन है मेरी। कजन? मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। कहाँ से देखती आप?
आदि तो गांव से आई है। गांव से? कौन से गांव से? पंजाब से। अच्छा भला फिर ठीक है, चलो चलो कमरे में चलते हैं। कमरे में भला क्यों लेके जा रहे हो उसे? मेरा मतलब है आप लोग खाम खा यहाँ परेशान होंगे, इसलिए कमरे में चलते हैं। अरे बच्चू थोड़ी जो परेशान करेगी, खैर जो तुम्हारी मर्जी। हाँ ठीक है भला ले जो, वैसे भी तुम्हारी बहन जैसी है। बहन? अरे कजन बहन ना, मतलब खालाजाद मामूजाद फूफीजाद। हाँ 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 वैसे बहन ठीक है, ऐसे भी रहे तो बेहतर है। चलो शोला क्या फजूल बातें सुन रही हो, चलो चलो। वैसे अजीब सा नाम नहीं है शोला, गरम गरम अजीब सा। देख क्या रही थी, कहीं चोरी तो नहीं कर लेगी इसको? मुझे बाबा शक है। किस बात पर और किस पर? अरे बाबू जो छोकरी है ना शाला, वो जाने की कजन नहीं लगती मुझे। इसमें शक करने वाली कौन सी बात है, क्यों नहीं हो सकती वो जाने की कजन? बस मेरा दिमाग कह रहा है। अरे बाबा कहाँ गया है, किधर रख दिया बाबा, किधर चला गया है? क्या हुआ बच्चू, परेशान लग रहे, क्या हो गया? अरे बाबा मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। तो बाबा मेरा मोबाइल ले लो। अरे नहीं बाबा, उसमें बहुत सारे नंबर मौजूद है ना। ओहो आपको याद है आपने कहाँ रखा था? बाबा याद होता तो मैं ढूंढता। कोई जरूरी काम है? अरे वो बाबा सही ने गांव से नई गाय और भैंसों की तस्वीरें भेजी हैं, वो देखनी थी। बच्चों ये आप कब तक बस गाय और भैंसों में फंसे रहेंगे? अरे बाबा लेक्चर बाद में देना, पहले मोबाइल ढूंढो। मैं कॉल करती हूँ। बेल तो जा रही है? अरे बाबा बेल जाती नहीं, बेल जाता है। ओहो मैं मोबाइल फोन की बात कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया बाबा। अरे बाबा ऐसा तो नहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया? कोई चोरी क्यों करेगा, कौन करेगा, कौन आया सुबह से घर में जो चोरी करके लेके जाएगा? हाँ भला ये बात तो भी सही है। अरे बाबा मैं अंदर जाके ढूंढता हूँ, शायद वहाँ रखा हो, मैं देखता हूँ बाबा। मैं जानी को बोलती हूँ, वो भी देखे। हाँ बाबा देखो देखो। वैसे सही कह रही हो, आया तो कोई है नहीं। रोना तो बंद करें आप, रोना तो बंद करें। क्या रोना बंद करूं मैं? मैंने आपको अपनी सारी दास्तान सुना दी, आपके लिए रोना बंद करूं? अच्छा मैं बात करूंगा ना, मैंने कहा ना मैं मैडम से बात करूंगा आपकी जॉब के लिए। अच्छा आपसे कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? उधार पैसे? हाँ मिल जाएंगे। कितने? ज्यादा नहीं, 10। 10? बिल्कुल 10, ये लीजिए। 1000? 1000? 10000 थोड़े, अभी असल में खुले नहीं है पैसे, खुले होंगे तो फिर मुझसे ले लीजिएगा आप। अच्छा तो फिर यही देते हैं। लो, हम तो इसको इससे लूटने का चक्कर कर रहे थे, ये हमें लूट के चली गई, हम खुद पाई पाई को तरस गए और ये पूरे 10000 वो भी थोड़े, ज्यादा कितने होंगे इसके लिए? आ गया लीचड़ कहीं का। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय आपके लिए, स्पेशल अपने हाथों से बनाई है। क्या कर रही थी आप? कुछ नहीं, मैंने क्या करना है? प्लान क्या है आपका? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि कहाँ रहेंगी, क्या करेंगी, कोई फैमिली कोई रिश्तेदार? मेरा कोई भी नहीं है यहाँ पर। ऐसे मत बोला करें, मैं हूँ ना। जी जी हाँ, मेरा मतलब था कि कोई शादी मंगनी हुई आपकी? मुझे ना बहुत भूख लगी है। हैं? अभी तो खाना खाया था आपने? एक दिन की भूखी थी, आपको क्या पता भूख क्या होती है। अरे भूख को तो मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ। अगर समझते हैं तो लाकर दे ना खाना। हाँ मैं अभी आया, मैं यूं गया और यूं आया। लीचड़ कहीं का कमरे में ला के बैठा दिया, कैसे करूं अपना काम, कैसे निकलू यहाँ से? खट्टा मीठा खट्टा मीठा। बाबा कहाँ रह गए? अरे इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। अरे जानी बाबा तुमने मेरा मोबाइल देखा है? हाँ देखा है, बड़ा जबरदस्त खूबसूरत नया मॉडल, मेरे पास भी काश ऐसा होता। अरे बाबा मेरा मतलब है अभी देखा है। किसको? मेरे मोबाइल को। नहीं सर आपका मोबाइल मैं क्यों देखूं? अरे बाबा पता नहीं मिल नहीं रहा है, कहाँ रख दिया है। अच्छा आपका मतलब वो घूम गया है? हाँ बाबा। अच्छा एक बात बताएं, आखिरी दफा कब देखा था? अरे बाबा मुझे पता होता तो मैं ढूंढ रहा होता इस वक्त। ये बात भी है। हाँ। बात सही किया। अरे बाबा तुम कितना खाना पकाएगा, अभी तो पकाया था।
ये मैं अपने लिए थोड़ी पका रहा हूँ। बाबा फिर किसके लिए पका रहा है? कजन आई है ना मेरी। अच्छा तुम्हारी कजन आई है? बाबा किधर है, देखी तो नहीं? कमरे में है मेरे। बाबा वाह बाबा वाह, तुम तो बड़ा मॉडर्न हो गया है, कजन को रखा है वो भी कमरे में। अरे नहीं सर, वो इसलिए घर में लेके कहां घूमूं मैं उसको। अरे बाबा क्यों, वो काटती है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ठहरा आपका मुलाजिम, कहां अपने मेहमान को आपके घर में लिए लिए घूमूंगा। अरे बाबा क्या बात करता है जानी, हमने तुमको कभी मुलाजिम नहीं समझा और मैंने कभी आपको मालिक। क्या मतलब है बाबा? मेरा मतलब है घर का फर्ज समझा मैंने आपको, फर्ज। फिर ठीक है, फिर ठीक है। एक काम करो जानी, मोबाइल मिल जाए ना तो मुझे बताना। ठीक है ठीक है ठीक है। ओ बहुत तो परेशान करते हैं ये तो, क्या हो गया इसको, तो चेक करूं क्या हो गया। वाह क्या सालन बना, कजन खा के खुश हो जाएगी आज तो। खाए खाए खाए, गोटियां भी हैं, ये भी खाए ना। अच्छा आपने बताया नहीं। क्या नहीं बताया? यही कि आपकी मंगनी हो गई है, शादी हो गई या कुछ और। ये अजीब चिपकू है, यहाँ काम नहीं बनेगा, ये जो मोबाइल मिल गया है ना बस यही काफी है, यहाँ से भागने की कर शोला। क्या सोच रही हैं आप? यही कि क्या जवाब दूं आपको। सीधी सीधी बात का सीधा सीधा जवाब दे दे। क्या बताऊं कि मैं शादीशुदा हूं, मगर। मगर क्या? मेरा शोर बहुत सालम है, मैं उससे बहुत परेशान हूं और वो मुझे पसंद भी नहीं है, मैं उसी के डर से घर से भाग गई हूं। रोना तो बंद करें वरना मेरे भी आंसू टपक जाएंगे। मेरी तो किस्मत में ही रोना लिखा है। ऐसे मत बोले, मेरी बात कराएं आप। नहीं नहीं, वो बहुत खतरनाक आदमी है, आप नहीं जानते उसको। उसकी तो ऐसी की तैसी, मिलाए फोन उसको। कहाँ है? बड़ा आया। हेलो, अबे कहाँ का बदमाश है तू, है? छोड़ दे अपनी बेगम को, है? यहाँ जबरदस्ती नहीं चलने वाली। हाँ अब तू मुझे अभी जानता नहीं है, घर लेख एड्रेस लेख, खट्टा मीठा हाउस, हाँ मोहल्ला नंबर 35, हाँ लिख लिख, हाँ ठीक है। अब आ जा तू, देखता हूँ। देखी अपने भाई की बदमाशी, मेरे मतलब देखी अपने खादिम की बदमाशी, अब बेफिक्र हो जाओ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर वो यहाँ आ गया तो क्या, पुलिस को बुला लेंगे, बिग साहब है ना अपने मोहल्ले के हीरो, उनको कॉल कर लूंगा मैं, हम किसी से नहीं डरते। शुक्र है इस बहाने आप हंसी तो सही। अरे बाबा जानी किधर मर गया, इधर आ। अबे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। चलो तुम एक दफा फिर खाना खा लो, शाबाश मैं आता हूँ। बेचारा। अरे बाबा ये जानी आज काम कुछ सुस्त सुस्त कर रहा है, उसकी वजह क्या है? वो उसकी कजन आई हुई है ना, तो हो सकता है इसी वजह से थोड़ा। अरे बाबा मेरे को तो कोई गड़बड़ लगती है। बाबा कैसी गड़बड़? अरे बाबा देख नहीं रहे हो अपनी कजन को, वो बाहर नहीं निकाल रहा है, मुस्तकिल अंदर ही जा रहा है। ओहो, तो इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई? ऐसी बात है क्यों नहीं बाबा, एक छोकरी और एक छोकरा एक कमरे में मौजूद है। जरीना वो उसकी कजन है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लीजिए मैडम, ये चाय आपकी। ये ले एक कप पिए। ये ले एक कप आपका। बाबा जानी तुम इतनी जल्दी में क्यों हैं? वो असल में कजन आई हुई है ना इसलिए। अच्छा तुमने बला उस कजन को पिंजरे में छुपा के क्यों रखा हुआ है, कमरे से बाहर निकालो ना बाबा। असल में गांव से आई है ना तो शहर में आके थोड़ी परेशान हो गई है इसलिए। देखा मैं कह रही थी ना ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो सब ठीक है बाबा, तुमने मेरा मोबाइल ढूंढा? नहीं ढूंढा तो नहीं। बाबा देखो अपने काम पे ध्यान दो, तनख्वाह तुम्हारी कजन ने नहीं देनी है, समझ आई ना? मैं ढूंढता हूँ। हाँ ढूंढो बाबा ढूंढो। अरे बाबा पता नहीं मेरा मोबाइल कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है, चाय पीने का भी मजा नहीं आ रहा है। खट्टा मीठा।
खट्टा मीठा। अब क्या हो गया, क्यों परेशान हो? उसका दोबारा फोन आया था। तुम्हारे शौहर का? जी, धमकियां दे रहा था। मिला उसको फोन, दो मुझे जरा। तुझे समझ नहीं आ रही क्या? मना किया ना यहां फोन मत करो। देख मैं, तू मुझे अगर नजर आ गया ना, मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान से। तू मुझे जानता नहीं, मैं बहुत बुरा आदमी हूं। फोन ही बंद कर दिया डर के मारे। मेरे ख्याल से समझ आ गई है उसको। अब तो खुश हो ना तुम? जी, बहुत। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने उससे तुम्हारा पीछा छुड़ा दिया तो तुम उससे शादी करोगी ना? शादी? और तुमसे? क्यों, मुझ में कांटे लगे हमें? मेरा मतलब है, मैं कितना साथ दे रहा हूँ तुम्हारा। जी जी, साथ तो दे रहे हैं आप। बस तो कोई अच्छी सी तारीख देख के शादी तय कर लेते हैं। बहुत जल्दी नहीं है? जल्दी तो आपको होगी, मैं तो ऑलरेडी लेट चल रहा हूँ। असल में तुम परेशान हो ना उस बंदे की वजह से, उसकी तो टेंशन लेनी ही नहीं है। बस जो मैं कह रहा हूँ ना, वो ही करना। आप मेरा वेट करें, मैं अभी आता हूँ। जी ठीक है। कीचड़ कहीं का, मौका अच्छा है, जल्दी से भाग ले, वरना इसने तुझे सच में दुल्हन बना लेना है। मेरे ना होने वाले शोहर, बाय बाय। हेलो, अरे भाई कहाँ हो साहब? या भाई कहाँ हो साहब? अरे क्या हो गया बेग साहब, सब खैरियत तो है? अरे सब खैरियत तो है ना बेग साहब। अरे बाबा, ये तब बातें जब खैरियत नहीं होती। बेग साहब कैसे आना हुआ? ओए बकवास बंद करो और ये बताओ कि ये नंबर किसका है? ओए बेग साहब, ये तो मेरा नंबर है। अच्छा, तो तुम पुलिस को धमकियां देते हो, इतनी दीदा दिलेरी आ गई है। धमकियां है इन्होंने? अरे नहीं बेग साहब, मेरा मोबाइल तो सुबह से चोरी हो गया है। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, आधा तो सुबह से मोबाइल अपना ढूंढ रहा है। और तुम लोग पुलिस को बेवकूफ समझते हो, मेरे पास वॉइस मैसेज भी है, लो सुनो। वाह क्या खूबसूरत आवाज है, जानी बजानी लग रही है मुझे तो। ये तो जानी की आवाज है। अरे बाबा जानी, तुमने हमारा मोबाइल चुराया है। मैं चोर रही हूँ, यकीन जाने मैं चोर रही हूँ। चुप करो। असल में मैं आपको असल में सारी बात बताता हूँ। हुआ ये था, एक काम करें, आप यहाँ रुके, मैं असल चोर को अभी पकड़ के लाता हूँ। जाओ बाबा जाओ, देखो मेरा मोबाइल किसके पास है या नहीं है। हाँ, मेरा मोबाइल, अल्लाह पाक मेरा मोबाइल। अरे भाई क्या हो गया है? तो मोबाइल बहुत महंगा है। अल्लाह, ये क्या हो गया? लगता भाग गई। अल्लाह मुझे बचाना। बेग साहब, बेग साहब, बेग साहब, मुझे लगता है वो भाग गई। आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं? चलो तो फिर मैं तुम्हें गिरफ्तार ही कर लेता हूँ। चल, तुमसे बात करना ऐसा है जैसे बकरे के आगे क्यों 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 गिटार बजा रहा है। तो तुम क्या कहना चाह रही हो, कि मैंने तुम्हारी बारियां छुपाई नहीं है? नहीं। तो फिर? छुपाई नहीं है, चोरी की है। तुमने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया? नहीं। चले छोड़ ना इस बात को, मैं उसको नहीं बनवा दूंगा, आप फिक्र ना करें। क्यों, तुम क्यों बनवा के दोगे? अरे बाबा वो बहन है ना मेरी, उसका भी हक है। आप सब छोड़े, अपना मूड अच्छा करें, बाहर आपके वैसे ही पप्पू आए हुए हैं। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन। चल चल, बहुत देखे मैंने तेरे जैसे बड़ी आई। पापा तो रोज ही आते हैं, कोई नहीं बात करे। ओहो कह रही हूँ ना, बस तुम जाओ, मैं लेकर आऊंगी चाय। अरे जानी मैं बनाती हूँ ना शरबत आज सबके लिए। शरबत तो मैंने बना लिया, वैसे पहले सीमा मैडम और अब आप। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ऐसी लड़ाइयां रोज करवा। इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी